हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है। आप देख रहे हैं स्टडी थ्री वाई यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बिहार पुलिस परीक्षा से संबंधित जो खास न्यूज लेकर आए हैं, जो कि आज के पेपर में दिया गया है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि आज से ही बिहार पुलिस का प्रथम चरण में जो एग्जाम है, तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखने के बाद इस वीडियो को लाइक करके अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि जितने भी बिहार पुलिस से संबंधित जो कैंडिडेट है, सभी के इस वीडियो के माध्यम से हेल्प मिल सके। चलिए दोस्तों, मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि दोस्तों, ये ऑफिशियल न्यूज़ है जो प्रभात खबर के माध्यम से है, जो कि बताया जा रहा है कि सिपाही के 11,880 पदों के लिए पहले चरण की लिखित परीक्षा आज से है। उसके लिए दोस्तों आपको क्या ज़रूरी है, यहाँ पर बताया जा रहा है डिटेल से कि पुलिस की विभिन्न इकाइयों में सिपाही के 11,880 पदों पर बहाली के लिए रविवार को पहले चरण की लिखित परीक्षा होगी। दो पालियों में होने वाली इस परीक्षा के लिए राज्य भर में 550 केंद्र बनाए गए हैं। एक पाली में करीब 3.5 लाख अभ्यर्थी बैठेंगे। दूसरे चरण की परीक्षा 20 जनवरी को आयोजित की जाएगी। महिला अभ्यर्थी का परीक्षा केंद्र गृह जिला में बनाया गया है, वहीं पुरुष जिले के बाहर जाकर परीक्षा देंगे। बिहार पुलिस रिजर्व वाहिनी, बिहार राज्य बिहार औद्योगिक सुरक्षा वाहिनी PMP विशेषीकृत इंडिया रिजर्व वाहिनी के इन पदों के लिए दो चरणों में होने वाले लिखित परीक्षा में करीब 13 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती से मिली जानकारी के अनुसार पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से 12 बजे तक होगी। उसके लिए दोस्तों बताया जा रहा है कि इसमें अभ्यर्थी को सुबह 9 बजे रिपोर्टिंग करना होगा। वहीं दूसरी पाली में रिपोर्टिंग टाइम 1 बजे का है। यह दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे के बीच होगी। अभ्यर्थी OMR सीट उत्तर पुस्तिका सही तरीके से भरे, इसके लिए केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती ने 27 दिसंबर को OMR सीट का नमूना जारी कर दिया गया था। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है कि उड़ती रही अफवाह, यहाँ बताया जाए कि परीक्षा में गड़बड़ी न हो सके, इसके लिए चयन पार्षद ने कड़े इंतजाम किया है। केंद्र पर ही अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र के साथ फोटो खींचा जाएगा। बायोमेट्रिक से उपस्थित जर्ज की जाएगी। कुछ जिलों से पेपर लीक होने तथा कुछ संदिग्धों की गिरफ्तारी की सूचनाएं भी आई, लेकिन पुलिस मुख्यालय ने इनको अफवाह बताया गया है। गया में 3 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हुई है। तो दोस्तों आज का जो यही एक ऑफिशियल न्यूज है, जो कि बताया जा रहा है कि बिहार पुलिस की जो परीक्षा है आज से प्रथम चरण में स्टार्ट है और 10 बजे से 12 बजे तक होगी। इसका रिपोर्टिंग टाइम है 9 बजे का, ठीक है दोस्तों। तो आज का यही एक छोटा सा जो वीडियो है, जो न्यूज़पेपर के माध्यम से है, तो चलिए दोस्तों मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करके इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और आप इस चैनल पर नए विजिट करते हो तो नीचे एक रेड कलर में बटन है, उसे दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। तो चलिए मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।